नमस्कार विद्यार्थियों, कल बेटा हमने शिक्षण के सिद्धांतों को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो कल आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज हम जिस शिक्षण बिंदु पर हम अध्ययन करेंगे, आज की क्लास होगी, वो होगा बेटा अनुदेशन। क्या होगा? अनुदेशन। ठीक है, आज इसके बारे में हम रिटेन में जानेंगे कि अनुदेशन समझ लिया था हमने, बता दिया था मैंने आपको बार बार अनुदेशन के बारे में समझाया क्या होता है अनुदेशन। तो थोड़ा सा रिटेन में लिखेंगे, तो आप इसको नोट करिए जिससे आप भी कॉपी में भी इस ये नोट रहेगा। लिखो बेटा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, सीधा हम अनुदेशन भी लिख सकते हैं बेटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनुदेशन का अर्थ। क्या लिख सकते हैं इसको हम? अनुदेशन का अर्थ, ऐसे भी आप लिख सकते हो उसको, तो उसमें भी कोई ऐसे भी लिख सकते हो। तो अनुदेशन का अर्थ क्या होता है वो हम लिखेंगे। लिखो, अनुदेशन, अनुदेशन का साधारण भाषा में, अनुदेशन का साधारण भाषा में अर्थ है सूचना देना अथवा आज्ञा देना। ठीक है, ये तो साधारण भाषा में अनुदेशन का अर्थ होता है। आगे लिखिए, प्राय अनुदेशन में देशन में प्राय अनुदेशन तथा शिक्षण में प्राय अनुदेशन तथा शिक्षण दोनों समानार्थक रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं जबकि दोनों में आधारभूत अंतर होता है। यहां से लिखिए, अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप हमें कक्षा शिक्षण में अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप हमें
कक्षा शिक्षण में देखने को मिलता है। ये चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है, तो थोड़ा सा और समझो इसको, क्योंकि यहाँ से मुझे साफ करके आगे लिखना पड़ेगा। यानी कि अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अर्थ क्या होता है? सूचना देना या आज्ञा देना, किसी विषय पर सूचना देना। सूचना देने का मतलब यहाँ ये मतलब नहीं है किसी की, कोई भाई वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया उसकी सूचना दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो पाठ्यक्रम है, जो आपके सिलेबस में जो आपका जो सिलेबस जो पाठ्यक्रम है, उस पर कोई सूचना देना, उसके बारे में ज्ञान देना, उसके लिए यहाँ पर क्या आया? सूचना देना आया है बेटा, ठीक है ना। तो सूचना देना या आज्ञा देना का क्या कहलाता है? अनुदेशन का एक साधारण भाषा में अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राय अनुदेशन तथा शिक्षण दोनों को समान अर्थ रूप में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग बाग ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जबकि दोनों में आधारभूत अंतर होता है, दोनों में अंतर है, क्योंकि बहुत अंतर है। मैंने आपको बताया था कि अनुदेशन संकुचित है और हमारा शिक्षण व्यापक है। अनुदेशन सिर्फ हमारी जो कक्षा है वहीं तक संभव होता है, और हमारा शिक्षण कक्षा में भी होता है और कक्षा के बाहर भी होता है। तो या हम जो अनुदेशन को क्या कहेंगे? अनुदेशन औपचारिक होता है, और जो हमारा शिक्षण है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई, तो कहेंगे आधारभूत अंतर है दोनों में। अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप हमें काम मिलता है देखने को, कक्षा शिक्षण में देखने को मिलता है। यानी कक्षा में जो कुछ भी हमें सूचना दी जा रही है, जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है, हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित, हमारे विषय वस्तु पाठ्यक्रम पर आधारित जो भी ज्ञान हमें दिया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, यहाँ से साफ करना पड़ेगा इसको। आगे लिखिए, कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक विषय को अध्यापक विषय को छात्र तक पहुँचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे अनुदेशन कहते हैं, उसे अनुदेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में अनुदेशन शिक्षक तथा शिक्षार्थी मध्य
शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की क्रिया है। पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की क्रिया तथा यह व्यक्तित्व के आई बात समझ में। इसको समझो पहले थोड़ा सा, ये कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, बार बार पढ़ चुके हैं, बार बार बोल चुके हैं इस बात को। दूसरे शब्दों में अनुदेशन शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम में ज्ञान के आदान प्रदान की क्रिया है। वही बात है, सिर्फ उसको थोड़ा सा रूप बदल दिया, बाकी अर्थ वही है, सेम निकल के वही आ रहा है कि कक्षा में जो भी ज्ञान हमको दिया जाता है पाठ्यक्रम पर आधारित उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लाइन लिखेंगे इसमें आता है, अनुदेशन कक्षा में ही समाप्त हो जाता है। अतः अनुदेशन कक्षा में ही समाप्त हो जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है? अनुदेशन की क्रिया है वो कहाँ तक चलती है? कक्षा तक ही सीमित रहती है। कक्षा के बाहर आते ही हमारा अनुदेशन समाप्त हो जाता है। अनुदेशन कक्षा में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, जबकि शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये लाइन उनके लिए है जो अनुदेशन और शिक्षण को एक तरह मानते हैं, एक जैसे ही उसको आंकते हैं कि शिक्षण भी वही है और अनुदेशन भी वही है। उनके लिए लाइन है कि जो अनुदेशन है वो कक्षा में समाप्त हो जाता है और जो शिक्षण है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो शिक्षण है वो जन्म से लेकर जब तक हमारा जीवन होता तब तक चलता रहता। कक्षा में भी शिक्षण होता है और कक्षा के बाहर भी हम किसी भी व्यक्ति से कहीं पे भी जाते हैं, जिस भी वातावरण में जाते हैं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उसे भी हम शिक्षण कहते हैं। लेकिन एक पाठ्यक्रम पर जो हमें ज्ञान दिया जाता है, पाठ्यक्रम के वही शिक्षण तो हमें पाठ्यक्रम जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पर भी हमें दिया जाता है, शिक्षण करवाया जाता है जो हमारा पाठ्यक्रम है। अब पाठ्यक्रम के बाहर भी हमें जो नॉलेज मिलती है, व्यवहारिक नॉलेज मिलती है, उसे भी हम शिक्षण के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन अनुदेशन में सिर्फ हम पाठ्यक्रम के ज्ञान को ही रखते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होता है, और उस पर हमें अगर कोई ज्ञान दिया जाता है उसे ही हम अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ तक की बात। यहाँ से आगे हम इसको साफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखे हैं, आता है आता है अनुदेशन का क्षेत्र सीमित है। अतः अनुदेशन का क्षेत्र सीमित है जबकि तथा जबकि या तथा शिक्षण का क्षेत्र
व्यापक है, ठीक है। अनुदेशन में पाठ्यक्रम को विशेष महत्व दिया जाता है। अनुदेशन में पाठ्यक्रम को विशेष महत्व तथा पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य होता है, ठीक है। एकमात्र उद्देश्य होता है, यह ज्ञान प्राप्ति एवं कौशल प्राप्ति तक ही सीमित रहता है, ठीक है। जबकि अब देखो बेटा, यहाँ हम साथ साथ देखो कुछ चीज है जिसको आप नोटिस कर रहे होंगे। अनुदेशन का तो अर्थ हम समझ ही रहे हैं, अनुदेशन का अर्थ तो हमको समझ में आ रहा है कि अनुदेशन क्या है। साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं कुछ बिंदु उसमें ऐसे मिल रहे हैं जो हमें शिक्षण और अनुदेशन में अंतर को स्पष्ट करते हैं कि शिक्षण क्या होता है और अनुदेशन क्या होता है। तो शिक्षण पढ़ चुके हैं हम, लेकिन अब अनुदेशन के बारे में जान रहे हैं। तो अब यहाँ पर दोनों में कहीं ना कहीं हमें अंतर का स्पष्टीकरण हो रहा है कि शिक्षण में शिक्षण और अनुदेशन में अंतर क्या होता। तो हमने पढ़ लिया जो अनुदेशन है वो क्या है, सीमित है, और सीमित क्षेत्र अनुदेशन का, और शिक्षण का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। तो कई सारे अंतर हमें यहाँ पे, और जो अनुदेशन है कक्षा में समाप्त हो जाता है, और जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो बाहर तक भी, कक्षा के बाहर भी चलती रहती है, ठीक है। अब है यानी कि यह ज्ञान प्राप्ति एवं कौशल प्राप्ति तक सीमित रहता है, जबकि शिक्षण में या इसको हम ऐसे लिख सकते, जबकि शिक्षण से ज्ञानात्मक कौमा भावात्मक व क्रियात्मक सभी पक्षों का विकास होता है। अब देखो, समझो इसको, समझ लीजिए इसको, यानी कि जबकि शिक्षण से यानी कि जो हमारा अनुदेशन है वो ज्ञान प्राप्ति क्या है, कक्षा में क्या करते हैं, हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और यानी कि कौशल यानी कि हमारा अध्यापक कैसे पढ़ा रहा है उस कौशल की, उस कौशल का भी विकास हमारे अंदर होता है कि आगे अगर हमें अध्यापक बनना है तो जैसा हमारा अध्यापक हमें अनुदेशन दे रहा है उसी प्रकार का अनुदेशन हमें हमारे विद्यार्थियों को देना है। तो क्या है, यहाँ पर सिर्फ हमें अनुदेशन से ज्ञान की प्राप्ति और कौशल की प्राप्ति होती है।
ठीक है ना, ये बात सिंपल है। अतः अनुदेशन का क्षेत्र सीमित है, मैं आपको बता ही दिया। और अनुदेशन विशेष रूप से किस पर आधारित होता है, पाठ्यक्रमिक ज्ञान पर आधारित होता है। जो हमारे पाठ्यक्रम में, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उसी को पूरा करवाना, उसी पाठ्यक्रम पर हमें ज्ञान देना एक शिक्षक शिक्षक का कर्तव्य होता है। वो अनुदेशन प्रक्रिया में यही कार्य करता है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पर हमें हमें क्या देना, शिक्षण करवाना, अनुदेशन देना, हमें सूचना देना और उसे उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवाना एकमात्र उसका उद्देश्य होता है। और वो सब कहाँ से संभव होता है, अनुदेशन प्रक्रिया के अंतर्गत संभव होता है। ठीक है, अब आती है बात है, जो शिक्षण है वो हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों का विकास करता है। शिक्षण से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारे जो अंदर जो फीलिंग्स हैं, भाव हैं, उनका भी विकास होता है। और क्रियात्मक, हम कोई भी कार्य को क्रिएटिविटी के माध्यम से करना शिक्षण के माध्यम से ही सीखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण के माध्यम से ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों का विकास होता है। ठीक है, तो एक लाइन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम शिक्षण में अनुदेशन को समाहित कर सकते हैं। अनुदेशन में, शिक्षण में अनुदेशन समाहित हो सकता है, अनुदेशन में शिक्षण समाहित नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे अनुदेशन के ऊपर आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। कल की क्लास में आगे जो हमारे अनुदेशन में वो जो इसके सोपान बनते हैं उनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है।